बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पुणे बोर्स दुर्घटना में आरोपी किशोर भी मानसिक आघात में है और उसे कुछ समय दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने पुणे पुलिस के दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हुए ये बात कही। जिस तरह से नाबालिग को पहले जमानत दी गई और फिर अचानक बढ़ते सार्वजनिक दबाव के बीच उसे निरीक्षण गृह में डाल दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पोर्शे पुणे दुर्घटना में आरोपी किशोर की चाची द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सवाल करते हुए कहा, दो लोगों की जान चली गई है, मानसिक आघात था लेकिन बच्चा भी मानसिक आघात में था, उसे कुछ समय दिया जाए। किशोर की चाची ने निरीक्षण गृह से उसकी रिहाई के लिए याचिका दायर की है। पुणे के किशोर को उसकी गिरफ्तारी के 15 घंटे के भीतर सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने जैसी शर्तों पर जमानत मिल गई थी। जमानत आदेश के कारण लोगों में रोष फैल गया और पुलिस ने आदेश में संशोधन करने की मांग की है। जमानत आदेश में संशोधन किया गया और लड़के जिसके माता पिता और दादा को भी पुलिस को रिश्वत देने और फर्जी रक्त परीक्षण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस किशोर को सुधार गृह भेज दिया गया था। पिछले सप्ताह किशोर की मौसी ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उसने दावा किया कि किशोर बोर्ड का रिमांड आदेश लागू कानूनों का पूर्ण उल्लंघन है। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता ने उस जमानत आदेश में संशोधन खिलाफ दलील दी। आरोपी की मौसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद कुंडा ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 104 के तहत नाबालिग आरोपी को जमानत पर निगरानी गृह में तब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक कि पहले का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता। इस मामले में श्री कुंडा ने कहा कि लड़के के जमानत आदेश में संशोधन किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। जेजे एक्ट के तहत किशोरों को जमानत देना बुनियादी नियम है, लेकिन अगर आप किसी को जेल में डालना चाहते हैं तो पहले आपको जमानत रद्द करनी होगी। जब पुलिस ने धारा 104 के तहत आवेदन दिया तो किशोर बोर्ड ने पहले के आदेश में संशोधन किया। जमानत से इनकार किए जाने पर ही नाबालिग को निगरानी गृह भेजा जा सकता है। पुंडा ने जेजे एक्ट की धारा 39 को भी चिन्हित किया, जिसके अनुसार नाबालिग आरोपी को निगरानी गृह तभी भेजा जा सकता है जब जमानत से इनकार कर दिया जाए। इस मामले में जमानत से इनकार नहीं किया गया। उन्होंने दादा की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया, जिसकी हिरासत में किशोर को जमानत पर रिहा किया गया था। हालांकि दादा अब उन आरोपों के लिए जेल में हैं जिनमें ड्राइवर को फर्जी बयान देने के लिए धमकाना शामिल था। धारा 104 के अनुसार लड़के को परिवार के अन्य सदस्यों के पास भेजा जा सकता है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता हितेन वेनेगावकर ने कहा कि विशेष परिस्थितियों जिसमें किशोर का शराब के नशे में होना भी शामिल है, उन कारणों से किशोर बोर्ड में अपना आदेश संशोधित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि मूल आदेश अधिकारियों द्वारा अपराध के तथ्यों की रिपोर्ट न करने के कारण पारित किया गया था। बीटीडेस एनबीटी ऑनलाइन।